हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है कैरियर पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, और आज के इस डीएनडी के एपिसोड में भी आप सबका स्वागत है। डीएनडी यानी कि डेली नया देखोगे। इस एपिसोड में हम सभी लोग बात करने वाले हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। इसका मतलब है कि आप देखिए, कई बार सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि एक मुद्दा बड़ा छाया रहता है, जिसके बारे में काफ़ी सोशल मीडिया पे डिबेट भी चलती रहती हैं और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना रहता है। ओपीएस, आप सभी ने सुना होगा ओपीएस। तो ये ओपीएस क्या है, ये एनपीएस क्या है, और खासकर ये चुनाव के टाइम में बहुत ऊपर निकल के आता है। इसकी बड़ा डिमांड रहती है कि ओपीएस लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। एक पक्ष कहता है कि हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से चीजें आप सबके सामने निकल के आती हैं। तो ये ओपीएस और एनपीएस दोनों पे आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप सभी लोग बाकायदा एक एक चीज को समझेंगे तो जरूर समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से थोड़ा सा देखिए कि ये इमेज आप भीड़ देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में कर्मचारी जो हैं वो हमारे दिल्ली के जंतर मंतर के मैदान पे, लास्ट ईयर यानी कि 2023 की शायद ये इमेज है। तो इतनी सारी भीड़ जो है वो जंतर मंतर के मैदान पे इकट्ठी हो गई, और इन सब का ही कहना था कि हमें ओपीएस चाहिए है, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए है। ये आप यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे, ठीक है। दूसरा, इस तरीके से आपके ट्रेंड जो है वो ट्विटर पे करते रहते हैं और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से ट्रेंड करते हैं कि वोट फॉर ओपीएस, एनपीएस पर चोट, ओपीएस पर वोट। तो ये क्या है, मुझे ये लगा कि मुझे अपने सारे व्यूअर्स को, देखने वाले साथियों को ये बताना चाहिए कि एनपीएस और ओपीएस क्या है, ये चुनाव के टाइम पे क्यों निकल के आता है, क्यों इस तरीके के ट्रेंड जो है वो आप सबके सामने निकल के आते हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, ओल्ड पेंशन का मतलब है कि पहले जो हमको पेंशन दी जाती थी वो किस तरह से दी जाती थी, वो आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आजीवन आय का आश्वासन। इसमें क्या रहता था कि जब आप नौकरी कर रहे होंगे, जब आप सेवा में होंगे, तब आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ ही साथ जब आप रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर के बाद आपको आजीवन आय का आश्वासन, मतलब आपको आजीवन, आपकी मृत्यु तक आपको पेमेंट दिया जाएगा, और एक फिक्स पेमेंट दिया जाएगा। कितना फिक्स पेमेंट दिया जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि अंतिम वेतन का 50%, यानी कि जब आप रिटायरमेंट ले रहे होंगे तो जो आपका आखिरी महीने का जो वेतन गिरा होगा, जो वेतन आपके पास आया होगा, उस वेतन का 50% आपको आजीवन फिक्स पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये ओपीएस का मुद्दा था। तीसरी बात ये है कि इस ओपीएस स्कीम में साल में 2 बार हमें डियरनेस रिलीफ दी जाती थी। डियरनेस रिलीफ का मतलब है महंगाई भत्ता दिया जाता था। तो ओपीएस में आपको साल में 2 बार ये आपको छूट मिल जाती थी, महंगाई भत्ता के माध्यम से थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाता था, और अंतिम वेतन का 50% आपको फिक्स्ड वेतन, फिक्स्ड पेंशन आपको आजीवन मिलेगी। साथ ही साथ ये जितना भी आपको पेमेंट किया जाता था, ये जितनी भी पेंशन आपको दी जाती थी, इसके लिए आप जब नौकरी कर रहे होंगे, आप जब सैलरी ले रहे होंगे, उस सैलरी से किसी भी तरीके की कटौती नहीं की जाती थी। ये सारा का सारा जो खर्चा उठाती थी ये सरकार है उठाती थी, ये सरकार आपको पैसा देगी, तो वेतन में किसी भी तरीके की कटौती नहीं होती। ये भी हमारे ओपीएस का एक मुद्दा था। तीसरी बात, आप एक बात और यहाँ देख रहे होंगे, जीपीएफ प्रावधान। जीपीएफ प्रावधान का मतलब क्या है कि प्रोविडेंट फंड का प्रावधान, यानी कि जब आप रिटायरमेंट ले रहे होंगे, जब आप सेवानिवृत्त हो रहे होंगे, तो आपने जो आज अपनी जो सेवा की है, सेवा काल के दौरान, नौकरी के दौरान, रोजगार के समय जमा राशि, आप अपनी सैलरी से हर महीने कुछ परसेंट फिक्स होता था, 10, 2, 4, 5, 10% जो भी जमा राशि जो है वो रिटायर के समय आपको भुगतान कर दिया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि रिटायरमेंट के समय पे फंड मिलता है, तो वो एक राशि जो है वो आपको इकट्ठी मिलेगी, और वो कौन सी मिलेगी, जो आप नौकरी के दौरान अपनी सैलरी से हर महीने कटवा रहे थे। तो एक जीपीएफ भी मिलता था, मतलब फंड भी मिलता था रिटायरमेंट के समय पे, और साथ ही साथ आपको आजीवन पेंशन दी जाती थी आपकी अंतिम सैलरी का 50%। ये पूरा का पूरा प्रावधान था ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो अब सीधी सी बात है कि इतनी जब हमें सुविधाएं मिल रही थी तो इसकी डिमांड तो चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने अगली स्लाइड में हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1 अप्रैल 2004 को इसको बंद कर दिया, 2004 को बंद करके एनपीएस लागू कर दिया। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, किसकी जगह ओपीएस को रिप्लेस करके एनपीएस लागू कर दिया। और इसका कारण बताया कि हम ये क्यों लागू कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेमेंट जो है ये सरकार के द्वारा किया जाता था, तो केंद्र और राज्य सरकारों पर भारी बोझ कारण बताया गया कि जब हम इतने सारे कर्मचारियों को पर मंथ इतना पेमेंट करेंगे
तो कहीं ना कहीं हमें जो ये फंड लाना पड़ रहा है, जो ये पैसा लाना पड़ रहा है, ये मेरे कर्ज का कारण बन रहा है, मतलब हमारे ऊपर कर्जा हो रहा है। इस वजह से हम ओपीएस को बंद करके एनपीएस सेवा लागू कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये एनपीएस क्या है, तो अब हम लोग एनपीएस के बारे में भी एक एक पॉइंट को बाकायदा समझते हैं। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, वाय वाय टेंशन एंजॉय पेंशन, ये इसका नारा है, नेशनल पेंशन स्कीम। चलिए अभी इसमें बात करते हैं क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये 18 से 70 वर्ष के नागरिकों को शामिल करेगी, मतलब ये जो एनपीएस है ये 18 से 70 वर्ष के किसी भी नागरिक को दी जा सकती है, जो भी नौकरी करेगा उसके बाद पेंशन के रूप में। अभी क्या है पेंशन के रूप में, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि वेतन से वेतन कोष में योगदान, यानी कि अब जो आप रिटायरमेंट के बाद पैसा लेंगे वो पैसा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, वो आप हर मंथ जो है वो वेतन कोष में योगदान देंगे, अपनी सैलरी से कुछ परसेंट कटवाएंगे और वो हर महीने आपका कट कट के इकट्ठा होगा, और फिर जब आप रिटायरमेंट होंगे तो वो जो पैसा मिलेगा वो आपको वेतन कोष में डालते 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 फिर आप रिटायर होंगे, उसके बाद आपको पेंशन के माध्यम से दिया जाएगा। तो वो जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था किसमें आई है, नेशनल पेंशन स्कीम। दूसरी चीज़ है कि ये कितना हर महीने कटेगा, तो आपके मूल वेतन का 10% आपका कटेगा, मूल वेतन का 10% जो है वो एनपीएस में आपका हर मंथ जाएगा, यानी कि कोष में जमा होगा, और उसके बाद जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलने का भी एक प्रोसीजर है कि वो किस तरीके से उसका पेमेंट होगा वो भी मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि वो पैसा आपका ही होगा, 10% जमा जमा करके आप अपना इकट्ठा करेंगे। तीसरी बात, तो ये जो एनपीएस थी इसका नाम एक तरीके से भागीदारी योजना हो गया। भागीदारी योजना का मतलब है कि इसमें पार्टनरशिप तो आप भी कर रहे हैं, पैसा तो आपका ही है कहीं ना कहीं, तो ये भागीदारी योजना थी, जबकि ओपीएस में क्या था कि सारा का सारा पेमेंट जो है वो सरकार द्वारा किया जाता था। दूसरी बात कि जब आप रिटायरमेंट हो रहे होंगे, जब आप सेवानिवृत्त हो रहे होंगे, तो जो पैसा आपने वेतन कोष में जमा किया है उसका 60% भुगतान जो है वो आपको कर दिया जाएगा, और ये टैक्स फ्री होगा, चाहो तो इसको आप एक टाइम भी निकाल सकते हैं। 60% भुगतान आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा जो पैसा आपने जमा कराया होगा। शेष 40% का क्या होगा, तो बचे हुए 40% को आप एक तरीके से समझिए कि जैसे आप अपना 2-4-10 लाख रुपया जो है वो राष्ट्रीय सहारा, LIC और अन्य कंपनियों में जिस तरीके से आप फिक्स करते हैं, उसी तरीके से एक पॉलिसी बेस्ड आपकी कंपनी होगी या पॉलिसी बेस्ड आपका प्रोग्राम होगा, उसमें आपका पैसा फिक्स हो जाएगा और उसके माध्यम से आपको क्वार्टरली और ईयरली या फिर मंथली या जिस तरीके से भी आप अपना एक अपना जो भी राशि होगी उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 40% आपका पॉलिसी वेज रहेगा, इस पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, मतलब आपका जो पैसा होगा 40% जो भी आपका 10-15-20 लाख रुपया होगा वो सरकार की नजर में होगा कि तुम्हारा 20 लाख रुपया उस पॉलिसी में लगा हुआ है, उसका हमें टैक्स दीजिए, तो आपको उसका ITR भी देना पड़ेगा। 40% आप कभी भी भुगतान करा सकते हैं, वो टैक्स फ्री होगा। तो ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी ये किसमें लागू कर दी है, नेशनल पेंशन स्कीम में, और ये 2004 के बाद जो भी लोग सरकारी कर्मचारी बनते हैं तो वो सारे लोग ही इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी कि एनपीएस के तहत शामिल होंगे, और 2004 से पहले के जो लोग हैं वो ओपीएस में ही रहेंगे। सरकार ने ये थोड़ा सा आपको छूट दे दी कि जो 2004 से पहले की ज्वाइनिंग है वो सारे के सारे लोग जो हैं वो ओपीएस को फॉलो करेंगे, मतलब उनको ओपीएस के तहत पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो जब इतना बड़ा बदलाव हो गया तो कहीं ना कहीं आप जानते ही हैं कि बदलाव डिमांड तो शुरू होगी, लोग कहेंगे कि हमें पुरानी वाली स्कीम बढ़िया लग रही थी तो हमें पुरानी वाली स्कीम चाहिए। तो इस वजह से जब कहीं पे भी चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, तो फिर इस तरीके से ये चुनावी भाषण और इनका जो संगठन है वो आपको डिमांड रखने की काम करता है, तो आपके सामने ये चीज़ें निकल के आती हैं कि लोग कहते हैं कि हमें ओपीएस पे वोट करना है या हमें ओपीएस चाहिए तो हम आपको वोट देंगे, इस तरीके से बातें आपके सामने निकल के आती हैं। अच्छा, तो आपके सामने कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों ने ओपीएस को लागू भी कर दिया है, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को कुछ राज्यों ने लागू भी कर दिया है। तो ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया। राजस्थान ने अपने सारे कर्मचारियों को ओपीएस के तहत आपको पेंशन देने का वादा कर दिया है। राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड, तो 5 राज्यों की सरकारों ने अपने कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन देने का वादा कर दिया। तो अब जो इनका संगठन है, जो कर्मचारियों का संगठन है जो ओपीएस की मांग करता है, तो उनको और बल मिलता है कि कुछ राज्यों में अगर ओपीएस मिल रहा है तो हमें पूरे देश में मिलेगा या बाकी राज्यों में भी हमें ओपीएस मिल सकता है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई चुनाव का समय होता है तो आपको ओपीएस मुद्दा एक बड़ा मुद्दा के रूप में दिखाई देता है, इस वजह से आपकी डिमांड चलती है। अच्छा, जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बड़ा बढ़िया तरीके से समझती हैं, अपने लोगों से कहती हैं कि आप हमको जितवाइए, आप हमको वोट करिए तो हम आपको ओपीएस के तहत आपको लाभ देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्योंकि आपका 2024 लोकसभा इलेक्शन चल रहा है,
तो इसके बीच में कई सारी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए, अपने मैनिफेस्टो जारी किए, तो उसमें आप बात करते हैं ये कांग्रेस सरकार जो आपका विपक्ष में है, यानी कि न्याय पत्र के माध्यम से इनका जो घोषणा पत्र आया है, कांग्रेस सरकार ने इस ओपीएस सुविधा को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है। कहीं पे भी कांग्रेस ने इसका जिक्र नहीं किया है और उसका उन्होंने कारण भी बताया कि हम ओपीएस को क्यों नहीं देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी वर्तमान सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है और उस कमेटी के परिणाम आने के बाद हम कोई स्टेटमेंट देंगे, यानी कि कमेटी अपनी आंतरिक जांच कर रही है, उसके बाद जब वो अपना परिणाम दे देगी तब वो बताएंगे कि ये स्कीम जो है ओपीएस का लाभ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो जब कमेटी का परिणाम आ जाएगा उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हम सरकार में आते ही आपको देंगे या नहीं देंगे। तो उन्होंने उस कमेटी का वेट कर लिया, इस वजह से उन्होंने अपने न्याय पत्र में कोई बात नहीं लिखी है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण भी जारी किया। साथ ही आप दूसरी पार्टियां और देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे, उस समय भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फिर से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है और अपने जनता का मांग पत्र यानी कि अपने घोषणा पत्र में ये वादा फिर से किया है कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पैरामिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा। तो ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के द्वारा फिर से उठाया गया है। तो विपक्ष की जो पार्टियां रहती हैं वो कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाती हैं और कर्मचारियों का साथ देने का वादा करती हैं, लेकिन कर्मचारियों की एक अलग डिमांड सरकार से रहती है कि हमें आपसे ओपीएस चाहिए, तो ये चलता रहता है। तो मुझे लगता था कि आपको ये समझाने की कोशिश करी जाए कि ओपीएस और एनपीएस ये है क्या। तो मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में आपको एक एक बात समझ आई होगी, ओपीएस और एनपीएस के अंतर समझ आए होंगे और ये मुद्दा क्यों इतना हावी रहता है चुनाव के टाइम पे, ये भी बात आपको बाकायदा समझ आई होगी। तो ये समझाने की आपको इस एपिसोड में कोशिश करी गई। अगले एपिसोड में हम लोग किसी नई सूचना के साथ फिर से आपके साथ शामिल होंगे, फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप सभी लोग इस तरीके से जुड़े रहिए और अगर आपको ये सूचनाएं अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, डीएनडी के नए एपिसोड के साथ फिर से आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।